अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मौसम बड़ा सुहाना है और सुहाने पन में हमने सोचा छोटा सा ब्लॉग, 5 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का, जितना भी वो आपको शेयर किया जाए। क्योंकि बारिश आया आज हमारे हैदराबाद में माशाल्लाह से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें, आज बादल गरज रहे हैं। और सबसे बड़ा मेरा लॉस हुआ है, कल फ्राइडे था जो कि मैं मैच खेलने जाता हूँ, अब वो कैंसिल हो गया है। और आने वाले रमज़ान भी आने वाले हैं, तो अब रमज़ानों के बाद ही क्रिकेट खेली जाएगी। जुम्मे जुम्मे गली की तरफ अभी आपको लेके चलता हूँ मैं, पहले छत से दिखाऊंगा, फिर आपको राउंड लगा कर लाऊंगा गली का, और थोड़ी गपशप भी चलेंगी। तो गाइस, हमें साथ रहना, ये चेक करो हमारी गली, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे कैसे बारिश। ये सामने वालों को तो यार पानी बहुत गिरता है, बारिश आए 5 मिनट नहीं होते इनकी छतों से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी, अभी चलते हैं नीचे और आपको गली का टूर कराते हैं, देखते हैं गलियां क्या पौधे उग गए गलियों में से पानी की वजह से, या गलियां स्विमिंग पूल बन गई है, या स्विमिंग पूल जो बड़े बड़े बने हैं फ्लॉप हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, घर के नीचे हम आ गए और हमारे हनी भाई भी हमारा साथ हैं, ये हमारे साथ पूरे एंड तक ब्लॉग में रहेंगे, नहीं रहे क्योंकि इनके अब्बा काम बहुत बोलते हैं, अगर चले जाए तो मेरा कोई कसूर नहीं है। तो गलियां दिखा दूं मैं आपको हमारे इलाके की, के बारिश के बाद किस तरीके से सजती है गलियां, या पौधे उग जाते हैं गलियों में से। मेरा रिपीट करा है, भाई किधर जाने का प्रोग्राम है, घर से बाहर या घर पर ही, या फिर बस पैदल पैदल घूमना है। पेट्रोल तो महंगा हो गया, पैदल ही चलो बस, है ना भाई, आपको ही पता यार पेट्रोल महंगा हो गया, तो बस पैदल ही घूमेंगे। वो देखो सामने काम चल रहा है। ये देखो, तूने जो सिगरेट वाली बनाई थी उसमें कोई व्यू वगैरह आया या नहीं आया? सिगरेट वाली में भाई मेरे ख्याल से चेक नहीं करा, आए होंगे व्यूज लेकिन अच्छे आए होंगे व्यू। चाचा चाचा, कराची जाने का क्या किराया लोगे? 5,000 रुपये। ये भाई अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर है बोल रहे, और यार हमारी रोजी खराब हो गई है, खैर बोलना नहीं चाहिए फिर भी। तो यार आ जा यार, एक गली का राउंड लगा कर लेकर आएगा, आ जाओ। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. बारिश तो एंजॉय कर लिया आप लोगों ने, अब टाइम है शॉपिंग करने का, शॉपिंग करने जाएंगे। तो शॉपिंग करने जाएंगे अपन, तो बस रास्ते में मिलते हैं, सही है। हाँ तो गाइस पहुँच गए भाई, बुलीवर्ड पहुँच गए, अब अंदर जाते हैं, फिर अंदर टी शर्टें वगैरह पसंद करते हैं, अंदर चलते हैं, चेकिंग हो रही है।
फिर से भाई चेकिंग, देखते हैं। लग रहा है तो सबसे पहले चलते हैं यार, सेल किस पे लगी हुई, स्केचर पे सेल लगी हुई होगी, सबसे पहले हम स्केचर पे चलेंगे। चलो यार स्केचर को छोड़ो, पहले आउटफिटर चेक करते हैं। आउटफिटर सामने आ गया, आउटफिटर के बाद स्केचर पे चलेंगे, फ्यूरर पर भी जाएंगे, अगर आउटफिटर पे पसंद आ जाएगी तो वाइंड अप करेंगे यहीं पर ही। अरे भाई यहाँ फ्यूरर और इसके इस पर आउटफिटर में कोई समझ नहीं आ रही, बकवास रखी हुई बिल्कुल से। स्केचर पे जाता हूँ, स्केचर पे समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह स्केचर से लेंगे, बाकी आउटफिटर बकवास और ब्रेकआउट। चलो पहले ब्रेकआउट पे चलते हैं। भाई टी शर्ट्स वगैरह तो समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, शॉर्ट्स देख लेता हूँ, बच्चों के शॉर्ट्स हैं। लास्ट टाइम आया था जबकि ये रखे हुए पुराने, इनके न्यू अराइवल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक समझ आई थी लेकिन उसके थोड़े, ये वाली देखूँ, ये वाली थोड़ी सही समझ आ रही है। ब्रेकआउट पर 5 मिनट खबारी करने के बाद ये समझ आई है यार, ये अच्छी लग रही है शर्ट, फिटिंग भी सही है, ये आउट क्लास लग रही है। आप बताओ डन कर दूँ क्या? आपके बताने से पहले तो मैं इसे खरीद भी लूँगा। बहरहाल ये अच्छी लग रही है, एक शर्ट ये पसंद कर ली, टी शर्ट्स और बाकी यार मुझे क्वालिटी लगी ना ब्रेकआउट पर लगी है, बस ये एक लूँगा, बाकी तो फिर बाद में देखेंगे क्योंकि आउटफिटर पर गया हूँ और फ्यूरर पर गया हूँ, बिल्कुल से बकवास। इससे अच्छा बंदा अपनी शाइनर किट से ख़रीद ले, लेकिन एक ब्रेकआउट पर अच्छी लगी भाई, ये वे पर ले लेता हूँ, ये अच्छी लगी है। हट यार ये वाली चेक करो, ये शर्ट यार, ये है शर्ट, ये भी ब्रेकआउट से पसंद आई है मुझे, एक शर्ट यार। चलो ये भी डन करते हैं, और ये शर्ट है यार जो बात है, उससे भी ज़्यादा ये अच्छी लगी मुझे, तो डन करते हैं इसको भी, सही है। तो हाँ तो गाइस वो मैं बताना भूल गया था, टी शर्टें तो अब परचेज कर लिए और बस शूज रह गए अपने और एक सैंडल रह गई है। तो शूज़ तो भाई हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बहुत महंगे शूज़ मिलते हैं, शूज़ हम लेंगे नए पुल से, वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है। तो कुछ खाते पीते फिर उसके बाद हम नए पुल चलते हैं। चेक करो जूता आप, फिलहाल तो अपन को जूते लेना है तो अपन जूते की तरफ जाएंगे। ये देखो ये थोड़ा समझ आ रहा है, इसके रेट क्या है खान सर इस जूते के? 2500। तो गाइस हम जूता पहले पसंद कर लेते हैं, फिर बार्किंग वगैरह करके फिर हम आपके साथ वापस आते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थोड़ा वेट करिएगा। यार गाइस मुझे जूता पसंद आ गया है, एक
लेकिन मैं खान साहब को बोल रहा हूँ उन सबको बोल रहा हूँ लेकिन कितने रेट बोल रहे हो तुम ये बोलने मैं बोल रहा हूँ तो देखे और मैं जूता दिखाऊँ वो कौन सा जूता है ये जूता चेक करो ये जूता मुझे पसंद आ गया दिल पे लग गया जूता ये आउटफिटर ये स्केचर पे भी क्या मिलता होगा जूता मैं खान साहब को बोल रहा हूँ जूते कर लो लेकिन ये मुझे बोल रहे हैं कौन सा है वो इसके कितने कौन से वाले के 5,000 5,000 का पूरा ईद का शॉपिंग कर लेता है हम खान साहब क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बस सही है इसको करो इसको हाँ ये पता नहीं क्या बंदा है ये बोला मैं राशिद खान से ही मिलकर आऊंगा और ये अटक गया है यार खान साहब तुम समझाओ ना इसको बोलो बस करो ये बोला है यार बस अब तुम्हारे सामने ये खान साहब हमसे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है अब बस सही है यार सही है यार बस पिक कर दो खान साहब पिक इसको मना के बार्गेनिंग करके मैं आपको फिर जूता दिखाऊंगा एक जूता तो पसंद आ गया फिर एक जूता चप्पल या जूता हम लेंगे वो फिर उसका भी बार्गेनिंग करते हैं ठीक है भाई अब थोड़ा इंतज़ार करो भाई बड़ी ख्वारी के बाद आती है जूता मिल ही गया अब चलते हैं चप्पल ढूंढ लेते हैं कोई अच्छी सी पहुंच गए KFC पर वो बहुत तेज लगी है अब अंदर जाते हैं खाते हैं और शॉपिंग तो हो गई डन बस अंदर चलते क्या सीन है चलो हाँ तो भाई वो मैं कह रहा था कि थोड़ी हालत सुधार लेते हैं उसके बाद खाना खाएंगे क्योंकि 2 बजे का निकला हूँ घर से हालत बहुत ख़राब हो गई है तो पहले हालत सुधार लेते हैं मैंने बोला इनका पान खाते हुए जाएँ और मज़ा आ जाएगा चलो भाई जी आज का पान खाते मीठा था पान बना के अपने हाथों से खिला दो बहुत अच्छा था मीठा पान साठ का एक है साठ का हो गया तो वही मसला नहीं खिलाओ अच्छा था पान बनाना रात को थका हुआ था ब्लॉग एंड करने का टाइम ही नहीं मिला तो मैं सो गया तो ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो पहले वाली रिपीटिंग है बस तुम समझ गए होंगे जो करना है करो जल्दी करो और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक करो और मेरी आने वाली वीडियो को वेट करो अल्लाह हाफिज़